तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स में जो हमारा पहला टॉपिक है, पहली यूनिट है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से हमारी पहला जो टॉपिक है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो चैप्टर में बटी हुई है, चैप्टर वन चैप्टर टू एनसीईआरटी के अंदर। और पहले चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम पहले चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें हम पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। सबसे इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रो के लिए, रेस्ट स्टैटिक्स के लिए। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट में स्टडी कर लें तो वही बन जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बहुत सारी टर्म्स हमें पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फिर हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ नाम लिख दे रहा हूं अभी। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। ये कुछ बेसिक टर्म्स हमें पढ़नी पड़ेंगी इस यूनिट के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर। तो ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इसे मिटा दूं, नोट कर लिया, थोड़ा सही ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, सही है। इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, किसी मैटर की, जो रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। तो अगर कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कहीं भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, मास। बिल्कुल वैसे ही अगर कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे हमारे एटम में न्यूक्लियस, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, चार्ज की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस में चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक डेफिनेशन, इसको मिटा देता हूं मैं। चलो, इलेक्ट्रिक चार्ज में इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, कभी कभी कैपिटल, कभी कभी स्मॉल। मैं कोई जरूरी नहीं है कौन सा सिंबल होना चाहिए, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो। इसका मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए, जो फॉर्मूला है वो एन इंटू ई है। क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है ई, इसका वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। ई का वैल्यू फिक्स्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फिक्स्ड होता है। और एन आपको क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा या दिया जाएगा, एन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपको एन पता है किसी बॉडी का, ई से मल्टीप्लाई करके आप क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, कूलम, कूलम
कुला, साइंटिस्ट के नाम पर ये यूनिट पड़ी है कुला, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन ही होती है। स्केलर क्वांटिटी आपने सीखा हुआ 11th क्लास में, वही स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन ही होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दो टाइप्स का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। देखो आपको पता है किसी बॉडी के अंदर अगर बॉडी न्यूट्रल है तो, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ताकि दोनों चार्ज एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाए और बॉडी रहे न्यूट्रल। लेकिन जब बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, प्रोटॉन ज़्यादा रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, इसलिए बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और नेगेटिव चार्ज, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से आ गए हैं, अब इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज कम हो गए, तो बॉडी पे नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो गई है बॉडी में, तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सिस में हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए किसी बॉडी में, तो बॉडी में नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये आपको पता ही होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी एक जैसा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। जैसे नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी अलग अलग जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक बातें सीख ली हैं, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। बाकी और टॉपिक्स पढ़ेंगे अभी हम, इसके बारे में अगले लेक्चर पढ़ेंगे। तो आज इतना।